फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए आइए देखें क्या क्या चाहिए। मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक अनियन, गार्लिक क्लोव्स, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, कैश्यू नट्स, टमाटोज, पनीर, क्रीम एंड ग्रीन पीस। मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन पीस हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अनियन चॉप कर लिया है, टमाटोज को बड़ा बड़ा काट लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, टमाटोज, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड कैश्यू नट का पेस्ट मैंने बना लिया है। और अब मैं पनीर फ्राई करूँगी, जिसके लिए मैं पनीर में कुछ मसाले मिलाऊँगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिल्ली, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ी सी सॉल्ट। अब मैं इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आज फ्राई करके यूज़ कर रही हूँ। और हम इसे फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं इस कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लूँगी। उसे थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे। हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पनीर भून गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी। थोड़ा सा और अब मैं इसे गर्म कर लूँगी। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग, और मैं थोड़े से खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिए हैं तेज पत्ता, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और चक्री फूल। इसे हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद मैं इसमें चॉप्ड अनियन डाल दूँगी। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक। ये देखिए, हमारी प्याज भून गई है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। अब मैं इसमें इसे मिक्स करके थोड़ी देर भून लूँगी मसालों को। मैं ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा भूनना है। अब मैं इसमें अपना ये टमाटो पेस्ट डाल दूँगी। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये तेल इससे अलग ना हो जाए। ये देखिए, ग्रेवी से ऑयल अलग हो गया है, मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें क्रीम मिक्स कर दूंगी। और क्रीम के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करूँगी,
टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी मटर। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया। अब हम इस ग्रेवी में जो हमने पनीर फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और इसको मिक्स कर देंगे। और एंड में हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे। ये देखिए मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे पूड़ी, चावल, रोटी किसी के भी साथ सर्व करें। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।